इसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम क्रॉकरी ढूंढ रहे थे। इसमें आपके किचन की कोई चीज नहीं है और बिना मेरी इजाजत के इस कबर्ड को कोई हाथ नहीं लगाता। हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था। ये देखिए आप रोइए मत, आप प्लीज। बेटा मैं कह रही थी कि वो देखिए, अगर आपको क्रॉकरी की जरूरत थी तो आप दही माँ से पूछ लेती। बहू, मैंने तो नई वाली क्रॉकरी निकलवा के पहले से ही किचन में रखवा दी है। दाई माँ, आप खाना लगवाइए, हम आते हैं। अच्छा, भले ही कनिका नाराज होकर यहाँ से चली गई, लेकिन वो है तो आखिर तुम दोनों की बहन ही ना। भाई दूज है और ये त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है, और ये त्योहार भाई बहन के प्यार का है, टकराव का नहीं। अपनी छोटी बहन के घर चले जाओ, शायद ये त्योहार उसके मन से सारे गिले शिकवे दूर कर दे। देख लो क्या क्या बना है। ये सब क्या है, ये क्या बनाया आपने? वो हमें लगा उन्हें इंडियन खाना अच्छा लगेगा। देखिए लता जी, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो ऐसा स्पाइसी ऑयली खाना नहीं खाते। कम से कम आपको कुछ कॉन्टिनेंटल बनाना चाहिए था, कुछ नॉनवेज बनाना चाहिए था। नॉनवेज? हमें नॉनवेज खाना बनाना नहीं आता। देखिए, आपको नॉनवेज बनाना नहीं आता तो दाई माँ से कहा होता। दाई माँ आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? पढ़ी लिखी लड़की है, सब कुछ जानती होगी, इसीलिए मैंने इससे कहा कि बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी रसोई है, तुम जो चाहो जैसे चाहो बना लो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसे ये सब कुछ नहीं आता। क्या मायने भाई दूज का तिलक करने के भैया, जब कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। उस दिन जब भाई का फर्ज निभाने की बारी आई तो सब मेरे ही खिलाफ थे, किसी ने मेरी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। देखो कनिका, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस दिन जो तुमने किया वो सही था, नहीं, पर देखो हम सब आए ना यहां पर, हर बात भुलाकर, सब कुछ भुलाकर आए ना तुम्हारे पास। कनिका देखो, भाई बहन के बीच में मेरा बोलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तीज त्योहार तो होते ही इसलिए है ना कि हम गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक हो जाएं। करण भैया भी आते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन जब आभा को मैंने फोन किया तो उसे साफ इनकार कर दिया। वो लोग तो मेरी और प्रकाश की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अगर उस घर के लोग हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो आपको भी कोई जरूरत नहीं है उनकी आरती उतारने की। अपनी खुशियां आभा के साथ बांटना चाहते हो ना, बस कुछ समय हो, ये सारी खुशियां और सपने आभा के देखने से पहले ही राख में मिल जाएंगे।